क्योंकि विराट कोहली उसको 10 साल हो चुके हैं खेलते हुए, और उसकी जो परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल वो इतनी बुरी नहीं है। नो डाउट बाबर जिस वे में आ रहा है मेरे ख्याल 3-4 साल में वो पीछे छोड़ देगा विराट को। लेकिन नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पाकिस्तानी मीडिया की एक और वीडियो आई है विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन करते हुए। हालांकि ऐसी कुछ वीडियो पिछले 3-4 साल से रेगुलर आ रही है, पाकिस्तानी मीडिया हर एक 2 हफ्ते में विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन करता है। अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो सीधा 1 मिनट स्किप करके स्टार्ट कर सकते हैं और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने इस बार बोला है कि बाबर आजम 3-4 साल में, आने वाले 3-4 साल में विराट कोहली को पीछे छोड़ देंगे, ऐसा बासित अली ने बोला। बासित अली को आप जानते होंगे, पाकिस्तान की तरफ से कुछ टेस्ट मैचेस और कुछ ओडीआईस खेले इनने, बाकी ये इतने बड़े क्रिकेटर तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं उस वजह से फेमस हो गए, इंडिया में भी फेमस हो गए और पाकिस्तान में एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया जिसके ज़्यादातर सब्सक्राइबर इंडियन है। तो चल के भारत से भी उनके चर्चे सामने आ रहे हैं भाई कि बाबर आजम इज इफ नॉट द बेस्ट ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है। आल गो विद नंबर 1 विराट कोहली, नंबर 2 बाबर आजम एट द मोमेंट। देखिए, क्योंकि विराट कोहली उसको 10 साल हो चुके हैं खेलते हुए, और उसकी जो परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल वो इतनी बुरी नहीं है। नो डाउट बाबर जिस वे में आ रहा है मेरे ख्याल 3-4 साल में वो पीछे छोड़ देगा विराट को। लेकिन इट्स टू अर्ली टू से के बाबर बेटर देन विराट। मेरा ओपिनियन है कि विराट नंबर 1 है इस वक्त, नंबर 2 बाबर आजम है। मैं स्मिथ वगैरह को पास नहीं समझता इन दोनों के। ठीक है, आपने कहा कि विराट कोहली नंबर 1 और बाबर आजम नंबर 2, तो बासित भाई आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, आप बहुत तजुर्बेकार हैं और क्रिकेटिंग आई कहा जाता है आपको, तो ऐसा क्या बाबर आजम को मजीद करना चाहिए कि वो नंबर 1 पे आ जाएं? परफॉर्मेंस जो जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, देखिए बैट्समैन के लिए तो एक फैक्टर ये भी आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि परफॉर्म वो कर रहे हैं लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पाते, तो इस पे आप कह रहे हैं? मेरे ख्याल ये फाइनल उनके लिए जो लोग ये बात करते हैं फाइनल बेहतरीन मिसाल है। क्या उसने फिनिश नहीं करा मैच को? बिल्कुल बिल्कुल करा है। अच्छा, वसीम अकरम साहब ये रिसेंटली वो फरमा रहे थे, आपको याद होगा जब भी बाबर आजम और विराट कोहली को कंपेयर कोई भी करता है तो बाबर आजम ने खुद ही बात बोली थी कि वो खुद उनके मद्दा हैं, वो नहीं चाहते कि उनको कंपेयर किया जाए। लेकिन वसीम अकरम साहब ने रिसेंटली ये बात बोली कि उनको चाहिए बाबर आजम को कि मवाजना जारी रखें ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सकें, तो ऐसा है कि यू नीड समवन टू लुक अप टू? मैं आपको इस तरह मिसाल दे देता हूँ, अपने टाइम की मिसाल दे देता हूँ। वकार और वसीम भाई दोनों साथ खेलते थे और मेरे ख्याल दोनों ही लेजेंड थे उस टाइम पे और टॉप क्लास बॉलर थे, तो दोनों में मैच होता था। वसीम भाई चाहते थे मैं 5 आउट करूँ, वकार चाहता था मैं 5 आउट करूँ, तो वही मवाजना जो वसीम भाई ने बात बोली है विराट के साथ बाबर को डालना चाहिए, मैच डालना चाहिए। मैच डालेगा तो उसको ज्यादा भूखा होगा, हंगरी होगा रन करने का, ये मैच डालना चाहिए उसको। ये अगर उसने ये बात बोली है कि मैं विराट का मद्दा हूँ, उसका बड़ा पन है, लेकिन उसको मैच डालना चाहिए। बिल्कुल, मैच होना चाहिए, मवाजना होना चाहिए। बासित भाई, हम भारत के हवाले से बात कर रहे हैं, विराट कोहली के हवाले से बात कर रहे हैं, तो कोहली 11 का एक बड़ा इम्तिहान सामने आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया टूर। ऑस्ट्रेलिया में आपकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा इस पर तबसरा कीजिएगा, क्योंकि जब आपका फ्लायर डला फेसबुक पे ट्विटर पे तो लोगों ने कहा कि बासित भाई से, क्योंकि इंडियन व्यूअरशिप हमारे शो की ज़्यादा है, तो उस पर उन्होंने ये बात कही कि बासित भाई से पूछिएगा कि इस सीरीज़ के बारे में ब्रीफली थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है उसमें कितना नुकसान हो सकता है इंडिया को, या कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं विराट कोहली की मौजूदगी में? देखिए, मैं मतलब मैंने अपनी माफी के साथ मैंने आईपीएल बिल्कुल देखी नहीं क्योंकि बिजी था अपने टूर्नामेंट में। सही, एक चीज याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया कोई भी टीम जाती ना तो उन्हें प्रॉब्लम होती है वहां की पिचेस की, और मेरे ख्याल इंडिया वाइट टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है। बेशक, अब इंडिया की बॉलिंग जो है ना पहले जैसी नहीं रही, अब इंडिया की बॉलिंग भी जो है ना काउंटर अटैक करती है उनके फास्ट बॉलर, तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन इतने आराम से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो सबसे बड़ा मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है ना, जिस तरह विराट कोहली का पता चला कि वो एक टेस्ट मैच के बाद शायद वापस आ जाएगा क्योंकि उनकी मिसेज को शायद वो एक्सपेक्टेड है ना, जी, तो वो उसका फर्क पड़ेगा। अदरवाइज अगर विराट कोहली 4 टेस्ट मैच खेले तो दोनों टीमें बराबर है। ठीक है, और पहले भी ऑस्ट्रेलिया के टूर पर जाकर विराट कोहली चैंपियन बना चुके हैं भारतीय क्रिकेट टीम को, लेकिन रोहित शर्मा के बारे में कयास सराइयां की जा रही हैं। शोएब अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि उनको कप्तानी दे दी चाहिए, ऑफकोर्स विराट कोहली की नाम मौजूदगी में जब वो मौजूद नहीं होंगे तो फिर रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट जो T20 मैचेस हैं और ODI मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया में, रोहित शर्मा नहीं होंगे वहां पर, तो उनकी कमी भी तो महसूस की जाएगी क्योंकि IPL चैंपियंस हैं। देखिए,
100% जी, रोहित जो है वो मतलब चैंपियन प्लेयर है, स्पेशली व्हाइट बॉल का तो बहुत ही बड़ा मतलब बेटर देन विराट कोहली, तो उसकी कमी तो महसूस होगी। अब वो क्यों नहीं आया टीम में, क्या फिटनेस प्रॉब्लम है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब जितना बड़ा प्लेयर टेस्ट मैच का विराट है उतना ही बड़ा प्लेयर अपना व्हाइट बॉल से रोहित शर्मा है। अच्छा, जब ये रोहित शर्मा शॉर्टर फॉर्मेट में नहीं आया, स्क्वाड में अनाउंस नहीं हुए थे, तो कुछ लोग तो कह रहे थे कि इंजरी है, लेकिन जाहिर है उन्होंने आईपीएल के लास्ट मैचेस खेले हैं, तो बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं कि 8 सीजन हो चुके हैं आरसीबी को, विराट कोहली ने चैंपियन नहीं बनाया, मुंबई इंडियंस को वो बना चुके हैं रोहित शर्मा, तो इज इट टाइम कि शायद अगले वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा शुड बी द कैप्टन फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, ऐसी कोई बात होनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस पर कोई कमेंट्स करूं या कमेंट्स करता हूं अच्छा लगूं, ये तो जो इंडिया के पुराने प्लेयर्स हैं उनसे अगर आप ये बात पूछें तो वो ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है हमें नहीं पता, हम तो यहाँ पे अपनी टीम को देखते हैं, वहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है, क्या मतलब फिटनेस रिपोर्ट है हमें नहीं पता, तो हमारे मुंह से कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए जिसकी वजह से हमारे जो बराबर वाले मुल्क के हमारे फैंस है वो हर्ट हो। भाई हमने बात की ऑस्ट्रेलियन टूर की, भारत ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी एक मुश्किल दौरे पर जा रहा है, दौरे न्यूजीलैंड के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, उस दौरे के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे बल्लेबाजों को, बॉलर्स को, क्योंकि वहां का दौरा भी काफी मुश्किल रहा है और इस बार बाबर आजम पर भारी जिम्मेदारी होगी कि टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी भी उनके सर है। देखिए जी, अगर आप कुछ चाहते हैं कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिसकी वजह से आपकी मतलब कोई ब्रेकिंग टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को जीतना चाहिए वहां पे, अच्छा ये मेरा अपना ओपिनियन है, और जहां तक बाबर आजम की बात बोली है तो मेरा ख्याल है बाबर आजम पाकिस्तान का वाइट प्लेयर अजहर अली के साथ, अजहर अली का मैं नाम जरूर लूंगा, अजहर अली और बाबर आजम इस टूर में मुझे बहुत ज्यादा रन करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं, आपको नहीं लगता कि वो फील करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है T20 और वनडे में तो अच्छा उन्होंने करके दिखाया है, हाँ कहीं ना कहीं कोई डिसीजन मेकिंग में उसको कहीं प्रॉब्लम्स हो रही थी, खासतौर पर जब आखिरी जो ओडीआई मैच था जिम्बाब्वे का, उसमें जब सुपर ओवर हुआ तो किसको बैटिंग करने के लिए भेजना, उस पर फैसला मुश्किल हो गया था, लेकिन प्रेशर फिर नहीं होगा आप ये कहना चाह रहे हैं टेस्ट मैचेस की कप्तानी का? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी टीम जब पाकिस्तान में खेलेगी तो बाबर पे ज्यादा प्रेशर। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, अब यहां से आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का वीडियो इतना ही था। पाकिस्तानी मीडिया ने यहां पर डिस्कस किया है विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम, इसमें पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर वासित अली ने बोला है कि विराट कोहली और बाबर आजम ही दो दुनिया के इकलौते प्लेयर हैं, अब इनके आसपास कोई नहीं है, स्टीवन स्मिथ, केन विलियमसन, जो रूट, इन सबको तो इन्होंने इनका नाम लेना भी सही नहीं समझा, हालांकि ये अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि स्टीवन स्मिथ की एक अलग क्लास, केन विलियमसन बहुत ही जबरदस्त प्लेयर, बहुत अंडररेटेड प्लेयर है, मतलब आपने देखा होगा हर परिस्थितियों में आकर रन बनाते हैं, और जो रूट है उनको अभी बहुत कुछ साबित करना है, उन्होंने भी अभी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन पाकिस्तानी मीडिया में हर एक दो हफ्ते में होता रहता है, और यहाँ पर वासित अली ने एक बात बोली है कि बाबर आजम पिछले आने वाले 3-4 साल में विराट कोहली को पीछे छोड़ देगा, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर उनको ऐसी ही टीम मिली बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ तो डेफिनेटली छोड़ देंगे, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि बाबर आजम सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ देंगे, ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा वासित अली का कहना है, हालांकि ये बहुत आसान होने वाला नहीं, आपको पता है विराट कोहली एक नेक्स्ट लेवल के प्लेयर है और बाबर आजम भी उसी रूट पर है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, अच्छा खेलते हैं बाबर आजम, डेफिनेटली क्लासी प्लेयर है, पाकिस्तान के शायद लीडिंग रन स्कोरर बने या शायद लीडिंग मतलब सबसे ज़्यादा सेंचुरी भी मारने वाले प्लेयर बन जाए, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर आपको याद होगा यूसुफ योहाना, यूनिस खान और सईद अनवर, उनकी भी एक अलग क्लास थी, शायद बाबर आजम को अभी उनको भी क्रॉस करना है, अभी उस लेवल का भी बाबर आजम नहीं खेल रहे हैं, लेकिन बाबर आजम इस जनरेशन के पाकिस्तान के डेफिनेटली सबसे अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर वसीम अकरम का भी बयान आया था कि बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन होना चाहिए, इससे बाबर आजम को फायदा होगा, बाबर आजम को मोटिवेशन मिलेगा और रन बनाने को, ऐसा वसीम अकरम ने बोला था, और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर है, पाकिस्तान का मीडिया है, डेफिनेटली वो कंपैरिजन करें, इसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान ने ऐसा बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ किया है, उमर अकमल के साथ किया था आपको याद होगा, अहमद शहजाद को उनका लुक्स भी थोड़ा बहुत विराट कोहली से मिलता था, तो उनका भी कंपैरिजन विराट कोहली से किया गया था काफ़ी, और आज दोनों प्लेयर पता नहीं कहाँ पे हैं, बाबर आजम स्टिल प्लेइंग फॉर पाकिस्तान एज अ कैप्टन, और आपको पता होगा न्यूजीलैंड का टूर है पाकिस्तान का, वहाँ पर बाबर आजम शायद टेस्ट कैप्टन भी बना दिए गए हैं, तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड का बहुत टफ टूर रहेगा, आपको पता है
इंडियन का हो या श्रीलंकन हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, न्यूजीलैंड में इनको प्रॉब्लम आती है, सीमिंग ट्रैक्स होते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा न्यूजीलैंड? और रही बात इंडिया की, तो यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया ने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पर भी कुछ डिस्कशन किया है और बासित अली ने बोला है कि इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई है और इंडिया लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में जीता था तो शायद इस बार भी जीत जाए। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि विराट कोहली केवल एक टेस्ट मैच के लिए वहाँ पर अवेलेबल है और ओडीआई और टी20 में रोहित शर्मा नहीं है, आपको पता होगा। तो शायद ये टूर इतना आसान रहेगा नहीं। लास्ट टाइम आपको याद होगा वार्नर और स्मिथ नहीं थे, उसके बावजूद भी इंडिया जीतने में कामयाब रहा, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ आई थी और उस टूर में चेतेश्वर पुजारा ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की थी, आपको याद होगा, सबसे ज़्यादा लीडिंग रन स्कोरर रहे और जिसके बाद इंडिया 2-1 से, आई थिंक 2-1 से सीरीज जीता था। एक लास्ट टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था, ऋषभ पंत ने लास्ट टेस्ट मैच में शायद सेंचुरी मारी थी, आप मुझे याद आ रहा है ऐसा कुछ था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर में कैसा परफॉर्मेंस देगा, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और विराट कोहली की एब्सेंस में रोहित शर्मा को डेफिनेटली नंबर 4 पर बैटिंग करने का मौका मिलेगा 3 टेस्ट में और शायद वो कैप्टन भी हो, ऐसा लग रहा है। डेफिनेटली कैप्टन होंगे वो, अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन है लेकिन शायद उनको मौका ना मिले क्योंकि आपको पता है विराट के बाद अगर टीम इंडिया में मोस्ट पावरफुल प्लेयर हैं, कोई इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं बीसीसीआई में, तो वो रोहित शर्मा है। तो शायद वो कैप्टन रहे टीम इंडिया के और नंबर 4 पर अगर खेलते हैं तो उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मतलब आप समझ रहे हैं क्या है कि टेस्ट मैच में उन्हें इतना अच्छा प्लेयर कंसिडर नहीं किया जाता है, तो शायद वो कुछ नया रूप सामने आए और इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।